Hi guys, welcome back to a new video. My name is Akash Sharma and I'm a research student at the University of Melbourne. So guys, when you come to Australia, यहाँ पे तीन टाइप की बेसिक एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज होती हैं. आपकी फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम होता है, कैजुअल होता है. इन तीनों कैटेगरीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एंड व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी और व्हेन यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टेक्निकली आपके पास चॉइसेस होती है कि आपको पार्ट टाइम काम करना है, आपको फुल टाइम काम करना है. बट एज अ स्टूडेंट आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स नहीं होते, बट आपको पार्ट टाइम काम करना है या कैजुअल काम करना है. सो यूजली आपका एम्प्लॉयर बोलता है भाई कैजुअल बने रहो या पार्ट टाइम बने रहो. सो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि पार्ट टाइम क्या होता है, फुल टाइम क्या होता है एंड कैजुअल क्या होता है, आपके वर्किंग राइट्स क्या होते हैं व्हेन टू कम ऑस्ट्रेलिया एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन फरवरी 2024. सो मेक श्योर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, तो उसको जाके एक बार प्लीज देख लेना. एंड मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके रिप्लाइज कर देता हूँ आपकी पर्सनल जो भी क्वेरीज होती हैं. सो बढ़ते हैं वीडियो में. वैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके फुल टाइम एम्प्लॉय की. देखो फुल टाइम एम्प्लॉय जो होता है वो बाय डेफिनेशन मतलब फुल टाइम, वो फुल टाइम एक ही काम कर रहा था. जैसे आपकी इससे पहले जब आप कोविड के टाइम में हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग राइट्स है, मतलब वो फुल टाइम 38 आवर्स अ वीक काम कर रहे थे. तो इफ यू आर वर्किंग 38 आवर्स, सो असेंशियली आप यू कैन मेक अराउंड $800 to $1,000. एंड उतना आपके लिए नफा, अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो, अगर आपकी थोड़ी वेज ज्यादा 30-35 है तो और $1,200 to $1,300 भी हो जाता है आपका वीकली. पर फुल टाइम एम्प्लॉय की रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 आपको काम करना पड़ता है, एंड उसमें 7.5 hours दिन का काम होता है, एंड वो आपकी इंक्लूडिंग 30 minutes ऑफ ब्रेक भी होती है. फुल टाइम एम्प्लॉई जो आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स तब होते हैं जब आपके जो सेशन होता है यूनिवर्सिटी का चल नहीं रहा होता. सो बेसिकली जैसे अभी मेरे को नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब तक छुट्टियां थी. एसेंशियली नवंबर के 15-16 को मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, तब मेरे पास ये सारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी फुल टाइम वर्किंग राइट से, एंड इसमें मैंने फुल टाइम काम किया. मतलब अभी एसेंशियली वो तो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है, अगर आपको काम दे रहा है वो फुल टाइम का तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो. सो ये बेसिकली बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप वर्क वीजा पे हो, अगर आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं. ये आपका बेसिक होता है फुल टाइम वर्किंग राइट का मतलब. नाउ फुल टाइम एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ओवर टाइम भी करते हैं, तो उनको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं और एक्स्ट्रा वो मिलती है. नाउ फुल टाइम एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पे एनुअल लीव, सिक लीव्स, ऑल सॉर्ट ऑफ ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं, वो एक इवन दो वो प्राइवेट फर्म हो या गवर्नमेंट फर्म हो, जैसी मर्जी फर्म हो, वो आपको आपका एम्प्लॉयर को आपको देने पड़ते हैं. पर पार्ट टाइम और कैजुअल में थोड़े ट्वीक्स होते हैं, वो मैं आपको आगे अगले दो सेक्शंस में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पार्ट टाइम एंड कैजुअल. एंड फिर फुल टाइम का तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. सो 37.5 hours होते हैं जो बेसिक 38 hours या 37.5 hours, इसके अराउंड ही आपको फुल टाइम एक एम्प्लॉई काम कर सकता है. उसके बाद जो हम बात करेंगे वो होते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय की. मैंने पार्ट टाइम काम किया अभी तक, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तब से मैंने पार्ट टाइम ही अभी मेजोरिटीली काम किया, मैंने फुल टाइम अभी तक एक बार भी नहीं काम किया. एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्या होता है वो असेंशियली उसका डिपेंड करता है. सुनाओ, अगर आप बाय बुक्स जाओगे, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ यू कैन ओनली वर्क 24 hours अ वीक, मतलब 48 hours fortnightly, विच इज अप्रॉक्सीमेटली मतलब जितना एक फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहा होता है लगभग आधा ही काम करता है जो एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है. सो अभी अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप सिर्फ 48 hours fortnightly काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वेबसाइट. पर इसके अलावा भी बंदे क्या करता है, वो कैश पे काम कर रहते हैं, कहीं और काम कर रहते हैं. बट मेक श्योर यार आप कैश पे ये सब ना मतलब कुछ भी इलीगल काम मत करो, आप वही काम करो जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज ने आपको बोला करने के लिए, रादर दैन आप कैश पे काम कर रहे हो. फिर उसके बाद अगर आपकी वो कैश ट्रैकिंग होगी तो आपके फिर बाद में अगर आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे वो बाद में बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है. ये तो मेन चीज़ होती है. ठीक है गाइस, तो पार्ट टाइम में आपको एनुअल लीव मिलती है, आपकी सुपर एनुएशन बनती है. तो सुपर एनुएशन एक टाइप का फंड होता है जिस फंड में आपके सारे पैसे स्टोर होते रहते हैं. सो एक सर्टन अमाउंट आपका वहाँ पे बन जाता है ना, व्हेन यू रिटायर, मे बी यू नो व्हेन यू लीव दैट जॉब, तो आपको वो बड़ा सम आपके अकाउंट में मिल जाता है, विच कैन हेल्प यू सस्टेन इन द टाइम व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब. तो ये आपको उस टाइम में हेल्प करता है जब आपके पास जॉब नहीं है, तो फिर बेसिकली आपको उस टाइम में आपका वो पार्ट टाइम का जो सुपर एनुएशन फंड बना है वो आपकी हेल्प कर देगा टू सस्टेन इन ड्यूरिंग द टाइम जिस टाइम आपके पास जॉब नहीं है. सो मेरी रिकमेंडेशन आपके पास यही होगी कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि नहीं भाई कैजुअल पे काम करो, मैं आपको बोलूंगा कि आप पार्ट टाइम पे हो जाओ, क्योंकि पार्ट टाइम पे क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयर को आपको 3 hours काम हर हफ्ते में देना ही पड़ेगा, विच इज वेरी लेस. 3 hours इज नथिंग, लाइक अगर आपकी मिनिमम वेज पे काम करो यू विल ओनली मेक लाइक $70 a week. बट अगर आप पार्ट टाइम पे हो तो 3 hours आपको वो काम देना ही पड़ेगा उसको, मतलब मैंडेटरी है ये. सो पीछे क्या हुआ था कि जिस एम्प्लॉयर से मैं काम कर रहा था वो उसने मेरे को 6-8 hours में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. अभी भी मतलब उसी के अराउंड ही है, ज़्यादा नहीं है, बट
इसी आवर्स में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉई था, वो मेरे को निकाल नहीं सके, मतलब निकालना निकाल सकते हैं वैसे, बट सिक्स टू सेवन मंथ्स के बाद उनको एक नोटिस देना पड़ता है, मेरे को हो गए वहाँ पे 6 महीने काम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, सो उनको एक नोटिस देना पड़ता है, एंड इट्स अ टीडियस प्रोसेस टू यू नो फायर अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई. फुल टाइम को तो चलो अलग ही बात है, उनको तो फायर करना भी मुश्किल हो जाता है, बट पार्ट टाइम को फायर करना भी मुश्किल हो जाता है. तो अगर आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तेरे को कैजुअली काम दूंगा, तो आप पार्ट टाइम की उसको इंसिस्ट करो कि भाई पार्ट टाइम के ऊपर करते हैं. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो क्या होती है एसेंशियली. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो सबसे इंटरेस्टिंग होती है. नाउ कैजुअल में आपका पे रेट बहुत ज्यादा था, इट इज लिटरली 1.5x. सो मैंने कैजुअल एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है. मैंने कैजुअल एम्प्लॉयमेंट एक पीछे एक बार में काम करता था, एंड वहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ही देते थे वो, बट उनका प्राइस रेट कम था, बट दे प्रॉमिस्ड एन आवर. सो इट इज़ लाइक जस्ट अ वर्ड ऑफ माउथ. उन्होंने बोला था कि इतने टाइम अगर आप काम करोगे तो वी विल गिव यू अ सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स, एंड तब तक आप कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो. कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की खास बात यह है कि वो एसेंशियली आपको फोन करते हैं अगले दिन कि भाई अगले दिन 8 घंटे के लिए आ जाना. उनका कोई वीकली रोस्टर नहीं होता, तो और रोस्टर पे वो रोटेटिंग शिफ्ट्स नहीं करते. वेर एज आपको फुल टाइम में तो चलो आपको 9 to 5 रोज ही आना ही आना है, पार्ट टाइम में भी आपका वीकली रोस्टर निकलता है, वेडनेसडे टू वेडनेसडे होता है यूजुअली आपका रोस्टर जो होता है पार्ट टाइम का. बट कैजुअल में क्या होता है, आपका कैजुअल में आपका कोई रोस्टर नहीं होता. कैजुअल में आपको आपका एम्प्लॉयर फोन करेगा, कल फ्री है भाई, हाँ आ जा, और उसके बाद फिर इनकी वैसे टाइम स्लिप होगी, उसके ऊपर आपको नाम डालना है कि भाई इसने मैंने इतने घंटे काम किया, एंड हफ्ते बाद आपको पैसे आ जाएंगे. कभी भी आपको फायर कर सकते हैं, कभी भी आपको बुला सकते हैं, आपको एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुपर एनिमेशन फंड नहीं है, सिर्फ वही TFN पे काम होता है, दैट्स इट. स्टिल अब लोगों को लगता है कि भाई मैं तो कैजुअली काम कर सकता हूँ ना ड्यूरिंग माई स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ तो मैं कैजुअल आवर्स काम कर सकता हूँ. नहीं, आप कैजुअल के ऊपर काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 24 आवर्स ही काम कर सकते हो, नो मैटर आप फुल टाइम पे हो, पार्ट टाइम पे हो, या आप कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पे हो, आपको 24 आवर्स ही काम करना है अगर आप एक स्टूडेंट वीजा पे हो. मतलब 24 आवर्स अ वीक, 48 आवर्स फोर्टनाइटली, एसेंशियली 48 आवर्स फोर्टनाइटली है, तो आप वो 48 आवर्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने पूरे 2 हफ्तों में. मतलब आपने एक ही हफ्ते में 48 आवर्स काम कर लिया, दूसरे हफ्ते में कुछ नहीं किया, वो भी चलता है, बट आपको ऑन द स्पैन ऑफ फोर्टनाइट आपको 48 आवर्स ही काम करना, आपको पास उससे ज़्यादा TFN पे काम नहीं करना. अगर आपने उससे ज़्यादा काम किया तो वो आपको लिटरली, अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप वापस इंडिया गए, लेट से अगर आप वापस आए ना, तो इमिग्रेशन वालों के पास नोटिस चला गया होता है कि इस बच्चे को निकाल रहे हैं, इस बच्चे के पास अलग निकाल रहा है. उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ATO का एक एप्लीकेशन आती है, वो डाउनलोड करके देखो, ATO के पास हर रिकॉर्ड है आपने कितना काम किया हुआ है. सो मेक श्योर आपका जो TF है ना, टैक्स फाइल नंबर, वो आपका एम्प्लॉयर हर एक एम्प्लॉयर अपनी वेबसाइट के ऊपर डालता रहता है, और उस वेबसाइट से रिकॉर्ड होता रहता है कि भाई आपने कितना काम किया. सो कैजुअल पे भी, पार्ट टाइम पे भी 24 आवर्स से ज़्यादा काम मत करो एज ऑफ नाउ. उसके बाद क्या पता ये 20 आवर्स कर दे, पहले 20 था, फिर फुल टाइम हुआ, एंड उसके बाद 24 आवर्स हुआ. सो अभी आई होप ये फुल टाइम कर दे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फीस निकालने के लिए या ये सब करने के लिए उनको ज़रूरत होती है, लोन रीपे करने के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, फुल टाइम होती है, पार्ट टाइम, कैजुअल. आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एसेंशियली होता क्या क्या है. एंड अगर आपको कुछ भी इसमें वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, पूरे अपने दोस्तों में फैला दो चैनल को. एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. चीयर्स गाइस.